उद्धव ठाकरे कहते हैं कि जो जामिया में पुलिस ने किया वो जलियांवाला बाग के कांड जैसा था। मैम, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, आपको मालूम होगा। हाँ। नया मुल्ला प्याज बहुत ज्यादा खाता है, तो नए नए मुल्ला जी बने हैं तो खाने दो प्याज, समझ में आ जाएगा। अभी महाराष्ट्र में 6 महीने तक मौज करने दो, बड़ी कुर्सी बहुत प्यारी लग रही है ना, बड़ी प्यारी लग रही है। बाला साहब, आदरणीय स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के सपनों को चकना चूर करके जो गद्दी पर बैठे हैं ना, कांटे वाली गद्दी है, ज़्यादा देर तक नहीं बैठ उस पर संभाल पाएंगे, उस चीज़ को आप याद रखना। और होने लगा है सागर पर सागर सावरकर पर ज्ञान मत दो, सरकार चलाओ, होने लगा है। 6 महीने, बस 6 महीने बाद धरातल पर आ जाएंगे। उद्धव ठाकरे जैसे आंध्र प्रदेश में TDP चंद्रबाबू नायडू का हाल हुआ है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का और शिवसेना का वही हाल होगा। इस तरह का बयान देने के बाद वो ये कहते हैं कि जो स्टूडेंट हैं जामिया के, वो आग के गोले हैं, उनसे मत खोलो वरना आपको भारी पड़ेगा। आग के गोले पानी के बुलबुले हैं, पानी के बुलबुले हैं, ठीक है। आप गेट के पीछे से पुलिस पर पत्थर चलाते हो, ठीक है, ठीक है। तुम लोग कर रहे थे ना प्यार मोहब्बत से, प्रोटेस्ट कर रहे थे, अच्छी बात है, पत्थर क्यों चलाने लगे? चलो तुम लोगों ने पत्थर भी नहीं चलाए, तो जो लोग पत्थर चला रहे थे तुमने उसको जामिया में क्यों घुसवाया? ठीक है, एक लड़की झूठ बोलती है रो रो के, क्या कहती है कि मेरा पेपर है, मैं लॉ की स्टूडेंट हूं, मैं संविधान का पेपर था। अब कौन सा संविधान? भाई साहब, अगर आपका पेपर था, आदरणीय बहन जी, आपका पेपर था तो पेपर की तैयारी करनी चाहिए था ना, रूम में बैठ के प्रोटेस्ट करने क्यों आ गई? पेपर में क्या लिखती? कुछ भी नहीं लिखती, अगर जब ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हो आप, समझो ना। और अगर पेपर था तो आप और जो लोग बाहरी लोग थे, आपने जामिया में उसमें क्यों अंदर किया उनको, क्यों पुलिस के हवाले नहीं किया? और कई वीडियो आते जा रहे हैं, एक लाइब्रेरी वाला वीडियो भी आया है जिसमें एक लड़का चिल्ला रहा है कि आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हो। यानी पुलिस वालों से तो कोई स्टूडेंट कहेगा नहीं कि भैया ये अपनी चीज है, स्टूडेंट ही स्टूडेंट से कहेगा ना कि अपना नुकसान क्यों कर रहे हो। तो वो नुकसान उन्हीं जामिया के लोगों ने किया है या जो बाहर से आक्रांता आए थे, आक्रांता ही बोलूंगा मैं उन्हें, उनकी वही प्रवृत्ति होती है, आक्रांता आए थे, उन्हीं ने वो JNU में लाइब्रेरी तोड़ी, अपनों के साथ मारपीट की और पुलिस को बदनाम करने की कोशिश है। तरफ ये कहते हैं उद्धव ठाकरे कि ये जो CAA आया है ये एक असंवैधानिक है और इसे लागू करने के बारे में हम अभी कांग्रेस और NCP के साथ विचार करेंगे, उसके बाद देखेंगे ये महाराष्ट्र में लागू होगा या नहीं। देखिए, आज तक जो सपोर्ट कर रहे थे, सुनिए मैं आपको बता देता हूँ ना, यही बात है ना, सरकार चलानी है। अभी तो हिंदुत्व को बदनाम करना और उसको बेइज्जत करने का ठेका उठाया है उद्धव ठाकरे ने। हिंदुत्व को, अभी हिंदुओं को और हिंदुत्व को बदनाम और बेइज्जत करने का ठेका शिवसेना ने उठा लिया है। 6 महीना उठाते रहो यार, लेकिन कभी कभी हिंदुत्व झुकेगा नहीं और हिंदुत्व डगेगा नहीं जब तक नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस देश में जिंदा है। जब तक नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अमित भाई शाह जिंदा है, तब तक हिंदुत्व और हिंदुओं को डरने की जरूरत नहीं है। PM नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस से कहा कि इस तरह से करने से कुछ नहीं होगा, जो लोगों को बरगलाया जा रहा है। कांग्रेस साफ क्यों नहीं कहती कि वो पाकिस्तान के लोगों को भारत में सिटीजनशिप देना चाहती है? देखिए मैम, आप एक चीज समझो, ये कितना सिंपल है समझने का। कोई भी अगर जिसकी घुटने में बुद्धि नहीं होगी ना, थोड़ी भी बुद्धि लगाएगा वो समझ जाएगा कि इस बिल की जो आत्मा है वो दो चीजों पर है। नंबर एक कि भाई ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के लिए है। नंबर दो, जो धार्मिक आधार पर पीड़ित हैं और उनको भगाया गया है और जो भारत में शरणार्थी हैं, घुसपैठिए नहीं है, ये बिल उनको नागरिकता देने के लिए है, ना किसी ना की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। तो फिर भैया किस बात का, क्या इसमें किसी भी भारतीय मुसलमान की नागरिकता छीनने का नियम है, कानून है? जब नहीं है तो भैया किस बात के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये किस बात के प्रोटेस्ट हो रहे हैं? और अगर जिनको ये लग रहा है कि भाई मुसलमानों को क्यों नहीं जोड़ा गया, तो आप एक चीज सोचो ना कि भाई जब वहां पर वो बहुसंख्यक हैं और आपने धार्मिकता के आधार पर 1947 में विभाजन करके एक देश ले लिया था, तो फिर आपको क्यों इस देश में आना है? और
अगर मुसलमानों का वहाँ पर उत्पीड़न हो रहा है तो मुसलमानों के ही द्वारा हो रहा है, अगर मुसलमानों का मुसलमानों द्वारा वहाँ पर उत्पीड़न हो रहा है तो दूसरे देश की जरूरत क्या थी, क्या थी, क्यों कर दिए थे भारत के दो तीन टुकड़े? तो आप ये चीज समझो ना सर, आज जो यहाँ पे आज जो सीलमपुर में यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, उसके बाद पुलिस पे काफी ज्यादा डंडे भी बरसाए हैं, लोगों ने पत्थर भी मारे हैं, और लोगों ने जहाँ पे खड़े थे उन्होंने कहा कि पहले जो प्रोटेस्ट था वो शांतिपूर्वक हो रहा था, उसके बाद आपके विधायक आते हैं और दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं। मैम अमानतुल्ला खान ने भी यही कहा है, अमानतुल्ला खान ने एक सभा की और इस सभा में मुसलमान को भड़काया, बरगलाया कि तुम्हारा बुरका बंद कर देंगे, ये कर देंगे, सांस लेना बंद कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा वैसा, और इसके बाद वो हिंसा भड़की थी इसके बाद। और ऐसे ही सीलमपुर में, सीलमपुर बाबरपुर का जो विधायक है उसने ऐसे ही बरगलाया और इसके बाद वो हिंसा हुई है। बताइए मैम, जो ये हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है ये 70 साल से हो रही है, इससे हमें कुछ नहीं मिला। आप जहाँ भी डिबेट करते हो हिंदू मुस्लिम पे तो काटा मार दो काटा, ये बात ना पूछनी ना किसी को बोलने देनी। ये टीआरपी अलग बात है, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी। आप जो भी डिबेट होती है ना टॉपिक कहीं और चल रहेगा, पहुंचेगा हिंदू मुसलमान पे। हमें हिंदू मुसलमान नहीं है, एक चीज मैम ठीक है सर आप जब नहीं भैया, इन भैया को एक बात बोलना चाहता हूं, एक मिनट। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हमारे जुडिशरी ने बहुत अच्छे से निपटाया था और देश ने बहुत अच्छे से स्वीकारा था, और ये NRC और जो ये नया मुद्दा लेके आए हैं इससे दोबारा ये चीज पैदा हो रही है, ताकि आम जनता अपने बेसिक मुद्दों पे ना ध्यान दे के आपस में मरते रहे और भिड़ते रहे। देखिए ये लोग कह रहे हैं जो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि वो उस चीज को फोकस नहीं कर रहा। अरे सुनो तो, ये लोग जो कहते हैं ना, ये लोग जो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जामिया में जब प्रोटेस्ट में अल्लाहू अकबर के नाले और हिंदुत्व तेरी कब्र खोदेगी, सावरकर की कब्र खोदेगी, तब लगता है जो प्रोटेस्ट में सावरकर और हिंदुत्व की क्या जरूरत थी, तब आप नहीं कहोगे क्या? मैं जवाब तब नहीं बोलोगे आप? उद्धव ठाकरे कहते हैं कि जो जामिया ने पुलिस ने लाठी चार्ज किया स्टूडेंट के ऊपर, वहां पे जलियांवाला बाग जैसा सीन क्रिएट करने की कोशिश की गई पुलिस की तरफ से। उद्धव ठाकरे तो अपने बाप का नहीं रहा, जो उसके फादर ने एक हिंदुत्व का वो करा था वो तो सोनिया गांधी के पैरों में गिर गया। वो आप देखती ना, एक कुत्ते को शेर अली वो पहना दी गई तो वो कुत्ते की उसमें आ गया। और रही ममता बनर्जी की बात, वो एक डाइन औरत है, वो सिर्फ पश्चिम बंगाल को खाना चाहती है अपनी नीची राजनीति की वजह से। सर आप जैसे कि ये कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट है वो बम के गोले हैं, उन्हें भड़काओ मत, इस तरह का बयान देते हैं उद्धव ठाकरे? मैम स्टूडेंट को दूध पीते बच्चे तो है नहीं कि मैंने हाथ में दे दिया जा फेंक दे, वो तो अपनी सोच समझ से कर रहे हैं ना, पढ़े लिखे हैं ये लोग, गंवार लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है मैम, ये पढ़े लिखे गंवार हैं जो अपनी देश की संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं। किसने कोई भगार नहीं रहा है, आपके पास आधार कार्ड है, आप दिखाइए आप यहाँ के नागरिक हैं, अपना आराम से रहिए। ये तो नेता है ना, इन्हें तकलीफ हो रही है, ओवैसी टाइप के नेता, केजरीवाल टाइप के, मनीष सिसोदिया, इन्हें तकलीफ हो रही है दुनिया, और किसी को नहीं हो रही है, ये दंगे फैला रहे हैं। कल ऐसी तरह से प्रियंका वाड्रा उन्हीं स्टूडेंट को लेके इंडिया गेट पे जाके बैठ जाती हैं। प्रियंका गांधी के साथ पहले 9 लोग टोटल कांग्रेस के बैठे थे, ठीक है जी, फिर उसके बाद जब उन्होंने न्यूज में देखा लोगों ने, तो उनके पीछे पीछे होता नहीं भेड़िया चल रहा, उसके पीछे पीछे सब भेड़िया लग गए, तो कांग्रेस इसमें की है, उनकी राजनीति खत्म है तो करें क्या, अब अपने सोनिया गांधी को अपने पप्पू को आगे करना है तो ये सब करना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे कैसे, नाम कैसे होगा, ये बताइए आप। इसी तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने जैसा स्टूडेंट को मोहरा बना के जो हिंसा फैलाई जा रही है हर जगह पे, तो उसके लिए भी पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्टूडेंट के पीछे छुपकर वार मत कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम है तो सामने आके बोलिए कि आप हर पाकिस्तान में रहने वाले व्यक्ति को भारत की सिटीजनशिप देंगे। मैम ऐसा है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, स्टूडेंट को दूध पीते बच्चे हैं नहीं, सबकी अपनी समझ होती है। आप मुझसे कहेंगे अभी कि जाके इन्हें पत्थर मार दो, मैं नहीं मारूंगा, मेरी अपनी समझ है, तो कोई किसी को भड़का नहीं रहा, ये सिर्फ राजनीति की जा रही है, ठीक है ना। तो सर जैसे कि अगर कांग्रेस को कोई दिक्कत है तो वो सामने आके बोल देना, जैसे कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस सामने साफ क्यों नहीं कहती कि वो पाकिस्तान के हर नागरिक को सिटीजनशिप देना चाहती है भारत। कांग्रेस की जो बची दो चार सीटें हैं
ठीक है वो भी वो खत्म कर जीरो हो जाएगी अगर वो आ जाती है। वो तो हिंदू मुस्लिम ऐसे ही लड़ाई हमेशा 60 साल से ही लड़ा रहे हैं, 60 साल से लड़ा रहे हैं। अब देश में कुछ अच्छा हो रहा है तो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि वो राज भाई 60 साल जिसने सत्ता का भोग मतलब राज भोगा है, अब एकदम से आप उसको जमीन पे ला के फेंक दोगे तो उछलेगा तो ही तड़पेगा। जिस तरह से हर जगह पे ममता बनर्जी विरोध कर रही थी, पंजाब में अरमिंदर विरोध कर रहे थे, कांग्रेस की जितनी भी जहाँ पे पार्टियां हैं वो मना कर रहे थे कि हम स्कैप को यहाँ लागू नहीं होने देंगे, तो अब उसी तरह से उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हम मीटिंग के बाद जहाँ पे अगर उनकी गठबंधन में सरकार है उसके साथ शरद पवार और कांग्रेस के साथ, तो क्या लगता है कि वहाँ पे लागू होने देंगे? मैम जो इसका विरोध कर रहा है वो पहली बात हिंदुस्तानी नहीं है, ठीक है, वो मेन पाकिस्तानी है, वो हिंदुस्तानी, कोई हिंदुस्तान का इंसान इसका विरोध नहीं कर सकता जो सच्चा हिंदुस्तानी हो। ये गद्दार हिंदुस्तानी है, इनको आप हिंदुस्तानी मत कहिए, ये गद्दार हिंदुस्तानी है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो एक 6 साल की बच्ची की आंख फोड़ दी गई उस दंगा में और ममता बनर्जी जैसी डाइन चुप बैठी है, क्योंकि उसके बच्चों का नुकसान नहीं हुआ, उस माँ बाप से पूछे जिसके बच्चे की आंख फूटी है। एक्चुअल में प्रियंका गांधी यूं कहती हैं कि मेरे पास वीडियोस आ रही हैं, एक कॉलेज गर्ल डायरेक्ट प्रियंका गांधी को वीडियो सेंड कर रही है, या तो उनके लिंक इतने अच्छे हैं या फिर वो वीआईपी फैमिली से है, मतलब कहीं ना कहीं तो झोल है। क्यों एक कॉमनर, मेरे पास प्रियंका गांधी का नंबर नहीं है, मेरे पास मोदी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है, अगर मैं डायरेक्ट अगर उसे मैसेज या सेंड करता हूँ या फिर वीडियो सेंड करता हूँ, मेरे लिंक है, मैं कहीं ना कहीं से जुड़ा हूँ उससे, तो मतलब सब चीज़ प्रायोजित है, कहीं ना कहीं से आप प्रायोजित कर रहे हो उस चीज़ को, सपोर्ट कर रहे हो उस चीज़ को, बढ़ावा दे रहे हो, तभी ये सब चीज़ हो रही है। जिस तरह से विपक्षी पार्टियां लोगों को बरगला रही हैं और जो गलत इन्फॉर्मेशन ले दे रही हैं सीए को लेके, दंगा प्रदर्शन हो रहा है, बस जलाई जा रही है, इससे लोगों को समाधान मिलेगा? किसी चीज़ का समाधान नहीं मिलेगा। देखिए जो कॉमनर्स हैं वो नहीं चाहते कुछ ऐसा हो, दिल्ली हैरेस हो चुकी है, दिल्ली क्या पूरा देश हैरेस हो रहा है इस टाइम, और हम लोग सारे लोग इस चीज़ को जानते हैं कि सीएए से कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, किसी ये डिवाइड एंड रूल वाला सीन दोबारा से क्रिएट करा जा रहा है, अंग्रेज़ों ने करा था आज ये कर रहे हैं, किसी टाइम नेहरू ने करा था आज गांधी परिवार कर रहा है। चाहे आपको ले लीजिए, आपके विधायक का इतना गंदा भाषण सुना गया और आप खुद भी जानते हैं उस दिन ओखला में केवल वो पब्लिक आई थी, उस पब्लिक को हिंसक इन्हीं लोगों ने बनाया, पुलिस वालों की कोई गलती नहीं है, पुलिस वाले तो दिल्ली की सपोर्ट के लिए हैं, दिल्ली की रक्षा के लिए हैं, और जो रक्षा कर रहा है आप उसी के साथ मिसबिहेव करेंगे तो देखिए, एक गाल पे थप्पड़ खाने वाला गांधी जी का रूल था, गांधी जी का टाइम भी बीत गया, दोबारा गाल करने के अब हमारे सीन नहीं है, और हम चाहते हैं कि पुलिस जैसे कार्रवाई पहले करी दोबारा भी ऐसे करे, अगर कोई सीन होता है तो कोई भी हो, कॉमनर हो कोई नेता हो, छोड़ा ना जाए। जैसे कि वहाँ पे इतने सारे हालात बुरे हो गए, प्रोटेस्ट हो रहा था, आज भी सीलमपुर में हो रहा था, उसके बाद वहाँ के जो चश्मदीद गवाह थे, जो वहाँ के लोग खड़े थे, वो ये कहते हैं कि पहले प्रोटेस्ट शांति से हो रहा था, उसके बाद आपके विधायक होते हैं और दंगा भड़का देते हैं। बिल्कुल, आज भी सीलमपुर में और सीलमपुर बदरपुर इधर जगह बॉर्डर्स पे हमारी मेट्रो सील कर दी गई, गेट्स बंद कर दिए गए, और सारा क्रेडिट जाता है आप पार्टी को टोटल। मैं खुद कहता हूँ, मेरे पास न्यूज़ आई थी, मैं भी सीलमपुर से आगे का हूँ, मुझे न्यूज़ कंफर्म करा गया कि वहाँ मेट्रो बंद हो गई है, आप कन्विंस खुद देख लें और सेफ रहें। तो ये किस लिए लोग हमारी चिंता कर रहे हैं, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस को हमारी चिंता नहीं है, क्योंकि वो तो केवल वोट के लिए हमें संपर्क करते हैं, और अभी एक वोट बैंक जो एक उनका बैंक साइड है वो खतरे में, उन्हें लग रहा है कि अब हमें वोट नहीं मिलेंगे वहाँ से अगर हमने इनको क्रेडिट नहीं दिया। तो सारी बात यह है कि वोट की राजनीति है, देश को बांटा जा रहा है फिर से, पहले बांटा था जब हमारे आज़ादी के टाइम पे हमें बांट दिया गया था, आज आज़ादी मिल चुकी है तो बांटा जा रहा है। सर बांटा कैसे जा रहा है देश को? लोग अपनी अपनी मेंटालिटी थोप रहे हैं। देखिए आपको लग रहा है कि उसका वोट बैंक खिसक जाएगा, कांग्रेस को लग रहा है हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा, इसमें कॉमनर्स बस पिस रहे हैं, जो ये लोग उपद्रव कर रहे हैं, जो दंगाई आए हुए हैं, ये बाहर से हैं सब, यहाँ दिल्ली के लोगों को ये कष्ट नहीं है कि हम जाएं और पत्थरबाजी करें, या जो यहाँ पे मुस्लिम हैं वो जाकर पत्थरबाजी करें, ये उन लोगों को कष्ट है जिन लोगों को ये लगता है कि इस बिल से उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है, जबकि खुद अमित शाह जी ने कैबिनेट में बैठ के ये बात बोली है कि इस बिल से किसी को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो जब एक इतना बड़ा पॉलिटिशियन जो हमारे देश को खुद होम मिनिस्टर होके ये बात कह रहे हैं, तो आप उनकी बात कैसे निग्लेक्ट कर सकते हैं? छोटे छोटे विधायकों की बात सुन के क्या करेंगे? विधायक तो आपके यहाँ नहीं आएगा ना। सर आप
जैसे कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस सामने आके क्यों नहीं कहती कि वो मुसलमानों को, जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं, उन्हें यहाँ पर जो भी लोग हैं उन्हें सिटीजनशिप देना चाहती है, क्योंकि इसीलिए तो वो लोगों को भड़का रही है। देखिए, कांग्रेस अपने दोनों वोट बैंक बचाना चाहती है, हिंदू भी और मुस्लिम भी। अब वो इस टाइम जो कर रही है वो मुस्लिम्स के वोट बैंक के लिए कर रही है। अगर उसने खुल के ये कह दिया तो हिंदू वोट बैंक उसका खिसक जाएगा। पाकिस्तान हमारे लिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इंडिया में पाकिस्तान हमारे लिए दुश्मन है, और जो दुश्मन कंट्री हमारे लिए है उसका हम सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर कांग्रेस इस सपोर्ट में आती है तो, अभी तो कांग्रेस की कुछ सीटें आ भी रही हैं, कई स्टेट में वो है भी, वो भी नहीं मिलेगी आगे। और मैं तो चाहता हूँ कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अभी समझ में आ जाए, वो अभी समय बीता नहीं है, हमारे ही लोग हैं, अगर आपस में लड़ाएंगे तो इनको भुगतना पड़ेगा खुद।